पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि अब 720 आ गए हैं। पता था पहले से क्योंकि आंसर की से मैच किया था, पर फिर भी रिजल्ट आने के बाद लगा कि आई क्या हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे वो रियलाइज हुआ कि हाँ 720 आ गया। कौन सा मेडिकल कॉलेज चूज करने का मन? मेरा तो एम्स दिल्ली लेने का इरादा है। और वहाँ पे कौन सा विशेषज्ञ बनना चाहेंगे? मैं आगे चल के न्यूरो सर्जरी में जाना चाहूँगा। नीट 2024 का रिजल्ट आउट हो चुका है और खास बात यह रही कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये आउट हुआ, जिस वजह से लोगों में ज़्यादा उत्साह रहा। कल देर रात तक बच्चे अपना रिजल्ट चेक करते रहे। मामला यह हुआ था कि सर्वर भी डाउन हो गया था, काफ़ी देर तक बच्चों में उत्साह बना रहा। और बात करें टॉपर्स की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जो टॉपर हैं, जिन्होंने 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं और लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनका नाम है आर्यन यादव, जो अपनी माँ के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए पहले उनसे जानते हैं कि उनकी अब तक की जर्नी कैसी रही और कैसे करते थे वो पढ़ाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमें ये बताएं कि आपने तैयारी कैसे की सबसे पहले? सबसे पहले मैंने आकाश ज्वाइन किया क्योंकि मुझे प्रॉपर मटेरियल्स चाहिए थे, मॉड्यूल्स चाहिए थे। उसके बाद फिर फोकस्ड रह के स्टडी किया, कंसिस्टेंसी बनाए रखा, कभी कोई बैकलॉग नहीं होने दिया, और इसी वजह से मुझे लगता है सक्सेस मिली। लोग कहते हैं 12-12 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ती है, कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं कोचिंग के अलावा सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ता था, पर बस वो कंसंट्रेटेड रहता था उस वक्त, उस दौरान में। किस तरह के सवाल पूछे गए थे, किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल थे इस बार? मेरे हिसाब से इस बार डिलीशन होने की वजह से केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और फिजिकल से ज़्यादा सवाल आए, और बस इस बार लेवल हल्का सा रहा होगा टफ, लेकिन ओवरऑल पेपर बहुत टफ नहीं आया था, लेकिन आसान भी नहीं था। तो कुछ घुमावदार क्वेश्चन फिजिक्स में थे जो थोड़े टिपिकल थे। तो यानी कुछ सवालों में आपको लगा कि टफ है? कुछ सवाल टफ थे जो अंत में मुझे जाके सॉल्व हुए। बात करें आपकी फैमिली बैकग्राउंड की, तो आप पहले शख्स हैं जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं? हाँ, मैं अपने फैमिली में पहला हूँ जो डॉक्टर बनूंगा। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे फादर रिव्यू ऑफिसर हैं यूपी सेक्रेटरिएट में, और मेरी मदर हाउसवाइफ हैं। और आपके सिबलिंग्स क्या कर रहे हैं? मेरा एक बड़ा भाई है, वो भी नीट की प्रिपरेशन करते हैं। मतलब उन्होंने इस साल शुरू किया है? नहीं, वो मुझसे बड़े हैं, तो उनका सेकेंड उनका भी था चांस ही है। तो आपने ये उम्मीद की थी कि 720 में से इतना हाई मतलब आप कर ले जाएंगे, टॉपर बन जाएंगे? नहीं, मुझे इतना उम्मीद था कि 700 प्लस आ जाएंगे, क्योंकि पेपर उस वक्त अच्छा गया था, पर 720 की उम्मीद नहीं थी। पर मैच करने पर प्रोविजनल आंसर की से जानने के बाद फिर लगा कि हाँ अब 720 आ जाएंगे। तो जब आपने रिजल्ट देखा उस वक्त कैसा रिएक्शन था? पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि अब 720 आ गए हैं। पता था पहले से क्योंकि आंसर की से मैच किया था, पर फिर भी रिजल्ट आने के बाद लगा कि आई क्या हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे वो रियलाइज हुआ कि हाँ 720 आ गया। तो अब कौन सा मेडिकल कॉलेज चूज करने का मन? मेरा तो एम्स दिल्ली लेने का इरादा है। और वहाँ पे कौन सा विशेषज्ञ बनना चाहेंगे? मैं आगे चल के न्यूरो सर्जरी में जाना चाहूँगा। क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, ब्रेन की एनाटॉमी और आगे चल के, क्योंकि इसमें लोगों का भी अभी इसमें फैसिलिटीज़ आगे और बढ़ाई जा सकती हैं, इसमें भी जागरूकता थोड़ी कम है इसमें आगे बढ़ाने के लिए। तो जो बच्चे सफल नहीं हो सके, लंबे वक्त से तैयारी कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें मोटिवेट? उन्हें बस ये हिम्मत रखनी होगी कि लाइफ यहीं ख़त्म नहीं होती, और भी बहुत सारे रास्ते हैं, चाहे आप इसमें वापस लगें या और भी बहुत सारे जगह हैं जहां अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बस तलाशना होगा उन्हें। तो अब रिज़ल्ट आने के बाद पहला काम क्या होगा आपका? अब इसके बाद यही है कि आगे अब इसको बरकरार रखना है, और आगे जाने के बाद वहां भी अच्छे से पढ़ना है और आगे और सफल डॉक्टर बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आर्यन की माँ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? सुमन यादव। मैम, ये बताएं, आपके बेटा अब बनने जा रहा है डॉक्टर और मरीजों की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, क्या कहना चाहेंगे? बस सेवा करें, आगे बढ़ते रहें बस। तो आपने जब रिजल्ट देखा तो किस तरह से भावुक हुई थी या क्या रहा था रिएक्शन? कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, विश्वास नहीं हो रहा था। अच्छा, मतलब विश्वास नहीं होता लेकिन बहुत खुशी थी? बहुत बहुत, बिल्कुल बहुत खुशी थी। तो आपके घर का पहला डॉक्टर बनने जा रहा है? जी बिल्कुल, पहला डॉक्टर मेरा बच्चा है, ये बनेगा। इनके डॉक्टर बनने में आपने किस तरह से भूमिका निभाई? इनकी पूरी, हमने पूरा सपोर्ट किया, हमेशा उनको आगे बढ़ने की हमेशा सलाह दी कि आप आगे बढ़ते रहो बच्चा, तैयारी करते रहो जी। तो किस तरह से खाने पीने का ख्याल रखती थी आप? जी जी बिल्कुल, जो उनको पसंद था उनको बनाते थे, टाइम से देते थे। डाइट का बड़ा ख्याल? जी 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 जी। तो काफ़ी खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश हैं।
तो आप क्योंकि माँ हैं तो जो बच्चे इस बार सफल नहीं हो सके उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी कि वो लोग निराश होंगे इस वक्त? बिल्कुल नहीं निराश होइए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने पूरा फोकस करिए अपने सपनों पे। अच्छा मैम, आप लोग बेसिकली बिलोंग कहाँ से करते हैं? हम गाजीपुर से करते हैं। और लखनऊ में रह के तैयारी? जी जी हाँ जी। जी कितने साल से तैयारी करा रहे हैं? बस अभी ये दूसरा साल था इनका 12th के बाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये आर्यन यादव थे, तो अभी आपको आयुष से भी मिलाते हैं। उन्होंने भी टॉप किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से उनकी भी चर्चा हो रही है इस वक्त लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में। तब तक जुड़े मेरे साथ।